मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आशा है आप सब अपने अपने घर में ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे तथा पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम क्लास 10 का 9 चैप्टर भारत वैभवम पढ़ेंगे। भारत वैभवम का मतलब होता है भारत की महिमा। भारत की महिमा से तात्पर्य है कि हमारे जो भारत देश की भूमि है वो किस प्रकार से है। आइए हम हमारा अध्ययन शुरू करते हैं। प्रस्तुत अयम पाठ भारत भारती वैभवम इत्याख्यम ग्रंथार्थ संकलित। प्रस्तुत पाठ भारत भारती वैभवम नामक ग्रंथ से लिया गया है। अस्य महनीय ग्रंथस्य रचनाकार श्री निम्बाकाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधा सर्वश्र शरण देवाचार्य श्री जी महाराज वर्तते। अस्य इस महान ग्रंथस्य ग्रंथ के रचनाकार रचयिता श्री निम्बाकाचार्य पीठाधीश्वर तथा श्री राधा सर्वश्व शरण देवा आचार्य और श्री जी महाराज हैं। मातृभूमि भारतस्य भारतीयाच संस्कृत भाषायाः वंदनात्मक सुंदरम गीति काव्यम एतद्रस्त्र यत्र गीता गंगा गावश्च इत्येव गकारत्री अपि सृष्टु वर्णिता। क्या कहते हैं ये कि यहाँ मातृभूमि भारत के भारतीय संस्कृत भाषा या भारतीय संस्कृत भाषा की वंदनात्मक वंदना के सुंदर गीति काव्य एतद्रष्टि गीति काव्य हैं। क्या कहते हैं ये कि मातृभूमि भारत के भारतीय संस्कृत भाषा वंदना के सुंदर गीति काव्य यहाँ हैं। यत्र गीता गंगा गावच्च इत्येव गकार्यत्री अपि सृष्टुं वर्णिता। जहाँ गीता गंगा गावच्च यानी गाऊ इत्येव यहाँ तीन गकार अपि सृष्टुं वर्णिता तीन गकार हैं। यहाँ पर गीता गंगा गाऊ गीति काव्य सुंदर गकार हैं। अत्र गृहीता ग्रंथस्य अस्य स्वलंपम अंश एव तदावद कलात्मक शु सर्वांग सुंदरम मधुश्चाषित यत बकिम चंद्रस्य वंदे मातरम इति गीतम अन्याश्यम स्मार्यति। क्या कहते हैं यह अत्र संग्रहितः यहाँ पर संग्रहित इस ग्रंथ के अस्य स्वलंपम अंश यानी छोटा सा अंश भी बहुत एताद्व कलात्मक बहुत ही कलात्मक है तथा सर्वांग सुंदरम सर्वा सबसे सुंदर है मधुचाषित मधुर है और इसको पढ़ने में बकिम चंद्रस्य वंदे मातरम इति गीतम अन्याश्यम स्मृति। और ऐसे लगता है कि मानो बकिम चंद्र का वंदे मातरम गीत की याद दिलाता है। हमें यह किसकी याद दिलाते हैं वंदे मातरम के गीत की याद दिलाते हैं। अब देखिए भारत वैभवम वंदे नितराम भारत वसुधाम दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा शोभित सरश्याम। क्या कहते हैं वंदे यानी हमारी मातृभूमि इसको वंदना है। नितमा भारत वसुधाम भारत की वसुधा कौन है हमारी धरती कौन भारत भूमि। दिव्य हिमालय गंगा यानी गंगा यमुना यानी यमुना सरयू और कृष्णा शोभितम यानी शोभा देते हैं किसको भारत की धरती को। तो कवि हमें क्या कहते हैं कि हमें वंदे यानी वंदना करता हूँ मैं किसकी मैं भारत की धरती की हमेशा वंदना करता हूँ। जहाँ यहाँ दिव्य हिमालय है गंगा है यमुना है सरयू कृष्णा है जो सुशोभित करती है भारत की धरती को।
यह नमस्कार करते हैं कि यहाँ पर गंगा, यमुना, हिमालय तथा सरयू, कृष्णा जैसी विशाल नदियाँ यहाँ बहती है। मुनिजन देवे रजनी श्याम पूज्या जलदिन रंगे रचित शिमम भगवत लीला धाम मेंताम नाना तीर्थ भीर रमणियाम। क्या कहते हैं? मुनिजन देवे रनिशम, यानी ऋषिगण जो है, मुनिजन जो है, जो लगातार पूजा करते हैं किसकी? जल्दी रंगे चित्र सीमाम, यानी समुद्र की जो लहरें हैं वह भी आपकी सीमा की वंदना करते हैं। और क्या? भगवत लीला यानी भगवान की लीला भी धार्मयम ताम नाम नाम, भगवान की लीला भी इस धरती पर होती है। तीर्थ रमणीयम यानी अनेक प्रकार के तीर्थ भी यहाँ रमणीय यहाँ सुशोभित होते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। क्या कहते हैं वो हमारे भारत के धरती की क्या विशेषता बताते हैं? कि ऋषिगण जो है लगातार पूजा करते हैं हमारे भारत धरती की। समुद्र की जो लहरें हैं वह भी आपस में सीमा की वंदना करते हैं। भगवान की लीला भी इसी धरती पर सुशोभित होती है। भगवान की जो लीला होती है वह इसी धरती पर होती है। अनेक प्रकार के तीर्थों से यह धरती रमणीय, यानी यहाँ अनेक प्रकार के तीर्थ हैं, इसको मैं नमस्कार करता हूँ। अध्यात्म धरित्री गौरवपूर्णा शांति वाहा श्री वरदाम सुखदाम शस्य श्यामलाम कलिता ममलाम कोटि कोटि जन सेवित मुदिताम। क्या कहते हैं? अध्यात्म धरित्री यानी यह भारत की धरती कैसी है? अध्यात्म की धरती है, गौरवपूर्णा गौरवपूर्ण धरती है, शांति वहा शांति बनाए रखने की धरती है, शिव वरदाम सुखदाम यह वरदानों की धरती है, सुख देने वाली धरती है। इसके चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। शशि श्यामला कलिता ममलाम कोटि कोटि जन सेविता मुदिताम, यानी यह धरती निर्मल स्वस्थ करोड़ लोगों के द्वारा सेवा की जाने वाली इस धरती को मैं नमस्कार करता हूँ। कोटि कोटि का मतलब होता है करोड़ों लोगों के द्वारा सेवित, यानी सेवा की जाने वाली धरती को मैं नमस्कार करता हूँ। कवि क्या कहता है कि भारत की धरती आध्यात्मिक की धरती है, गौरवपूर्ण धरती है, श्री वरदाम यानी लक्ष्मी, श्री का यानी लक्ष्मी प्रदान करने वाली धरती है, सुख देने वाली धरती है, इसके चारों ओर हरियाली है, निर्मल स्वस्थ धरती है तथा करोड़ों लोग इसकी सेवा करते हैं। इस धरती को मैं नमस्कार करता हूँ, इसकी वंदना करता हूँ। चौथा देखिए, वीरकद अम्बेरति कमन्याम सुदिजनेश्च परमो पाश्याम देव पुराणे नित्य सुगीताम राष्ट्र शुभ केरी भ्याम। क्या कहते हैं वे? वीर कदम्बरेति कमनियाम यानी वीर पुरुषों के द्वारा वीरता दिखाई जाने वाली यह भूमि है। सुदिजनेश्व परमोपाश्याम ऋषिगणों के द्वारा उपासना की जाने वाली भूमि है। और वेद पुराणे नित्य सुगीताम राष्ट्र शुभ के भ्याम भव्याम, और यहाँ पर हमेशा वेद पुराणों के गीत गाए जाते हैं। राष्ट्रीय के भक्त हैं जो भव्य सुशोभित होते हैं। कवि हमें कहते हैं कि यह वीरों के पुरुषों की भूमि है, ऋषिगणों के उपासना की भूमि है, यहाँ पर हमेशा वेद पुराणों के गीत गाए जाते हैं। राष्ट्रीय के भक्त हैं जो भव्य यहाँ सुशोभित होते हैं। नाना रत्ने मणिया भी युक्ताम हिरण्य रूपा हरिपद पुण्याम राधा सर्वेश्वर शरणो हम वारम वारम वंदे रमयाम। क्या कहते हैं? नाना रत्ने
यानी नाना यानी अनेक प्रकार के रत्न, यानी रत्न है मणि ना, अनेक प्रकार के मणियों से युक्त है। हिरण्य रूपाम हरिपद पुण्याम, स्वर्ण रूप में हरि के पद को प्राप्त किए हुए हैं। राधा सर्वेश्वर शरणों अहम, यानी राधा सर्वेश्वर के शरणों में मैं बार बार वंदना, वारम वारम वंदे रम्याम, बार बार वंदना करता हूँ इस धरती की मैं जो ये रमणीय है। कवि कहते हैं कि मैं ऐसी धरती की वंदना करता हूँ जो अनेक प्रकार के रत्नों मणियों से सुशोभित हैं, और यहाँ पर कई महापुरुषों ने जन्म लिया है, ऐसी धरती को मैं रमणीय कहता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ। तो इस चैप्टर में हमें यही बताया गया है कि हमारे भारत की भूमि कितनी पवित्र है।